क्या घटना घटी, क्या हुआ, कितने लोग गोली लगी है? देखिए, दो लोग को जानकारी हुई है कि गोली लगा है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बगल में गुरुगोविंद सिंह अस्पताल लेकर, जहाँ हम भी वहाँ पहुँचे थे, वहाँ एक लोग को सीना में लगा है, एक को मुंह में लगा है। लोगों ने बताया है कि यहाँ किताब के जो दुकानदार है, मालिक है, तो दुकान में बैठे हुए थे, व्यवसाय अपने कर रहे थे। उसी दौरान एक ग्राहक भी था वहाँ पे, किसी ने मोटरसाइकिल से आया और किसी ने गोली मारकर चले गए। गोली की तीन आवाजें आई है, जिसमें तीनों खोखा भी प्रशासन ने उठाने का काम किया है। और मामला एक स्थानीय यहाँ पर किराए के मकान में रहते हैं, जिनका नाम चतुर्भुज है, उर्फ सोनू, पिता का नाम नहीं मालूम, माँ के साथ रहते थे, वो बिहार से लेकर आने वाले हैं, जैसा जानकारी है। और एक और जन अन्य है जिनका नाम हम नहीं बता पाए। तो अभी मामला एन एम सेट में लोग हम लोग ने भिजवाया है, और देखिए इसके बाद क्या होती है। क्या लगता है, लगातार अपराध हो रहा है पटना सिटी में, एक महीना में कई हत्याएं हुई है, इसको किस दिन आप लोग लेके? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सुशील कुमार मोदी ने अपराधियों से आग्रह करने का काम किया है कि भाई पटना में 47 की गोली ना चले। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार पूरी तरह से विफल है लॉ एंड ऑर्डर को चलाने में, सरकार पूरी तरह से भयभीत है। पूरे बिहार में 47 की गोली की आवाज दहाड़ रही है, और लोग, बिहार की जनता दहशत में है, भयभीत है, और आने वाले दिनों में इनका धजिया उड़ेगी। सरकार की जो नाकामी है, जो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल है, उसको आने वाले दिनों में देखते हैं।